हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप पर। तो हमारे बैकएंड टीम की कोऑर्डिनेटर हैं कंचन अश्वनी मैम। उन्होंने एक मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया। एक स्टूडेंट हैं श्वेता राणे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एथिक्स की कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरीज जो है उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो श्वेता रानी और अदर स्टूडेंट्स को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो एथिक से रिलेटेड जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया और कंचन अश्वनी मैम ने जो मुझे फॉरवर्ड किया मैसेज, तो मैंने बोला चलिए ठीक है, उसको हम शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एथिक्स को समझने के लिए, क्योंकि हमारे यहां सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी यूनिट टू में दिया हुआ है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, तो वहां पर आपको एथिक्स पॉलिटिक्स और रिसर्च का क्या रिलेशन है ये समझना चाहिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो है एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। तो एथिक्स एंड मोरालिटी जो है वो भी एक अलग टॉपिक है और ये यूनिट 10 का टॉपिक है, ठीक। दोनों को अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि शॉर्ट वीडियो है यहां पर मैं दोनों को मिक्स करके, क्योंकि लगभग जो मतलब होता है वो दोनों का एक ही होता है। श्वेता रानी की तरह आपको भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो उसे उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल हमारा चालू है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो 9241333666 पर फ्रीली कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मॉरल, क्योंकि एथिक्स एंड मॉरलिटी जो है वो आपका टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो एथिक्स और मॉरल दोनों किस चीज से संबंधित है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इन दोनों चीजों से संबंधित होता है। यानी सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या हमें समाज में करना चाहिए, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए समाज के लोगों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ये सब चीजें जो है वो कौन बताता है हमें, एथिक्स एंड मॉरेलिटी बताती हैं, नैतिकता और सदाचार बताते हैं। अब ये एथिक्स क्या होता है, एथिक्स आप समझिएगा कि सोसाइटी जो नॉर्म्स बताती है, सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए, उसे हम एथिक्स कहते हैं। मॉरल्स क्या होता है, मॉरल्स हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं, बात समझिएगा। एथिक्स अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो वो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है वो होता है, उसमें से जो चीजें हम चुन लेते हैं वो क्या कहलाता है, वो मॉरल कहलाता है। मॉरल का मॉरल मोरालिटी जो होता है वो इंडिविजुअल का अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है, खुद का प्रिंसिपल होता है रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग। हो सकता है एक इंडिविजुअल जो है वो किसी चीज को सही मान रहा हो, लेकिन सोसाइटी के टर्म में अगर हम देखें तो वो सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एथिक्स एंड मॉरल्स आर रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है। व्हाइल दे आर समटाइम यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। नैतिक और सदाचार सही और गलत आचरण से संबंधित होते हैं, कभी कभी इन्हें जो है पर्यायवाची के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे एथिक्स क्या होता है, एथिक्स रिफर्स टू रूल्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, हमारा समाज, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट इन वर्क प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं जो रिलीजन होता है, रिलीजियस सिस्टम होता है, वो हमारे ऊपर कुछ बातें थोपने का काम करती है, वो कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एथिक्स कहलाते हैं, क्योंकि वो हर एक इंसान पे थोपने का काम करते हैं। मॉरल्स क्या होता है, देखिए मॉरल्स मैंने आप लोगों को अभी बताया। सदाचार क्या होता है, रिफर्स टू इंडिविजुअल्स ओन प्रिंसिपल रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक अधिकारी है, ठीक, अब दो व्यक्तियों को इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है, चिकित्सा का अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है, और सामने उसके दो बंदे खड़े हुए हैं, एक लाइन में पहले लगा हुआ है और दूसरा लाइन में सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे या फिफ्थ नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। इंजेक्शन उसके पास एक ही बचा हुआ है,
अब वो या तो इस तरह से कर सकता है कि नियम क्या है कि जो आपके सामने सबसे पहले खड़ा हुआ है उसे ही वो इंजेक्शन देगा, लेकिन सोसाइटी क्या कहती है कि इंजेक्शन उसको मिलना चाहिए जिसको कि सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है इंडिविजुअल ये सोचे भाई, हो सकता है मैं ये सोचूं कि नहीं, जिसको मैं तो मेरे को जो नियम दिया गया है, नियम पुस्तिका दी गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग में जो पहला बंदा है उसी को दूंगा मैं इंजेक्शन, ठीक। तो समाज क्या कहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन ये आपकी मोरालिटी है, ठीक है। बात समझ में आई, मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस समझ में आया, ठीक। दोनों ही बात कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। मोरालिटी जो है वो पर्सनल इंडिविजुअल से संबंधित है, एथिक्स जो है वो समाज से संबंधित है। तो नैतिकता जो होती है वो एक बाहरी स्रोत द्वारा प्रदान किए जाते हैं नियम, प्रदान किए गए नियम हैं अच्छे और बुरे और सही और गलत से संबंधित, जबकि सदाचार जो है वो क्या सही है क्या गलत है, कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने सिद्धांतों का उल्लेख करता है, ठीक। तो समझ गए अच्छी तरह से एथिक्स में और मॉरल्स में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो उसको शॉर्ट ही रखते हैं। तो दो डिवीजन बताए गए हैं एथिक्स के, एक होता है जनरल एथिक्स, दूसरा होता है स्पेशल एथिक्स। जनरल एथिक्स में क्या होता है, नेचर ऑफ मॉरल एक्टिविटी, नॉर्म ऑफ मॉरल मॉरेलिटी, फाउंडेशन ऑफ मॉरेलिटी और एंड मतलब गोल ऑफ मॉरेलिटी, इन सारी चीजों का अध्ययन जनरल एथिक्स में होता है। मतलब नैतिकता की प्रकृति क्या होती है, सदाचार का मानदंड क्या होता है, किस आधार पर सदाचार का पालन किया जाता है और सदाचार का लक्ष्य क्या होता है, ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है, इसलिए हम इसे जनरल एथिक्स में पढ़ते हैं। स्पेशल एथिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एथिक्स, जो जनरल एथिक्स के सिद्धांत होते हैं, जो एक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी स्टडी क्या की जाती है, स्पेशल एथिक्स में की जाती है। तो दो डिवीजन हो गए, ठीक है, एथिक्स के याद रख लीजिएगा। नैतिकता पूरे अध्ययन को सामान्य नैतिकता और विशेष नैतिकता में विभाजित करता है। तो जो हम प्रकृति की बात करते हैं ओवरऑल सदाचार की प्रकृति की, तो वो क्या कहलाता है, वो सामान्य नैतिकता कहलाता है। जब हम सदाचार के नींव की बात करते हैं, सदाचार के आधार की बात करते हैं, सदाचार के लक्ष्य की बात करते हैं, सदाचार के मानदंड की बात करते हैं, तो ये सामान्य सी बात, ठीक। इसीलिए इसे किसमें लिया जाता है, इसे सामान्य नैतिकता कहा जाता है, ठीक। विशेष नैतिकता क्या होती है, जो विशेष तौर पर मानव गतिविधि के विभिन्न कार्यों से संबंधित होती है। जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि यार ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ये अच्छा है कि बुरा है, तो वो क्या होता है, वो विशेष नैतिकता के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कुछ थिंकर्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले थिंकर जो है वो मिशेल फोके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ये इस बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। मिशेल फोको पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक। तो इन्होंने भी एथिक्स बताए हैं कुछ, तो ये क्या कहते हैं, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इज अ रिलेशन ऑफ सेल्फ टू इटसेल्फ इन द टर्म ऑफ इट्स मॉरल एजेंसी, रिलेशन ऑफ सेल्फ टू माइसेल्फ, ठीक है। उसे ये क्या कहते हैं, उसे ये एथिक्स कहते हैं। मिशेल फोको ने नैतिकता को अपनी नैतिक एजेंसी के संदर्भ में स्वयं के संबंध में परिभाषित किया, हम लोगों के अंदर हम किस तरह से सेल्फ कैसे बनता है हमारा, सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी सोशलाइज करती है, ठीक है। तो वो हम कितना उसमें समाहित करते हैं उसे मॉरल फोको, मिशेल फोको क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली ये कहते हैं, एथिक्स डिनोट इंटेंशनल वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटेंशनल वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, समझ में आया, इंटेंशनल वर्क, जानबूझकर किया गए काम को दर्शाती, मतलब जो सोच समझकर किए गए काम होते हैं ना उन्हीं को ये एथिक्स कहते हैं। किन आधार पे सोच समझकर, नैतिकता, सदाचार, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है, उसके आधार पे ये क्या कहते हैं कि नैतिकता चुनी जाती है। ये नैतिकता के चार तरह से ये स्टडी करते हैं। मिशेल फोको आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉरल ऑब्लिगेशन एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, ये भी समझ लीजिए, इन्होंने
मॉरल ऑब्लिगेशन और एथिकल ऑब्लिगेशन के बीच में डिफरेंस बताया है। सदाचार दायित्व और नैतिक दायित्व के बीच में अंतर प्रस्तुत करने का काम किया है मिशेल फूको ने। ये कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, इज एन इंपेरेटिव ऑफ मॉरल कोड दैट ईदर रिक्वायर और फॉरबिड स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडक्ट। जो स्पेसिफिक एक्शन होते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक कंडक्ट होते हैं, उनको ये सही ठहराने या गलत ठहराने का काम करता है, यानी उनको ये छोड़ने या अपनाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि इन एथिकल सेट में से मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं, मिशेल फूको ने बताया। वेयर इज एथिकल ऑब्लिगेशन इज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंडक्ट, जो सोसाइटी हमें पूरी प्रिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है, उसे हम एथिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग मॉरली अप्रूव्ड कंडक्ट, यानी एथिक्स बड़े होते हैं, मॉरल्स छोटे होते हैं। एथिक्स सोसाइटी के होते हैं, समाज के होते हैं, नैतिकता समाज की होती है, सदाचार एक व्यक्ति जो होता है वो सदाचारी होता है। ठीक है, एक सदाचार दायित्व और नैतिक संहिता की अनिवार्यता है, जिसे या तो एक विशिष्ट प्रकार के आचरण की आवश्यकता होती है या मना करती है, विशेष तौर पे किसी चीज को मना किया जाता है या अपनाया जाता है, उसे सदाचार दायित्व कहते हैं मिशेल फूको के टर्म में। नैतिक दायित्व क्या होता है भैया, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, नैतिक दायित्व जो होता है वो समाज हमारे सामने एक पूरा लिस्ट देता है, एक तरह से जब हमें सोशलाइजेशन में सिखाया जाता है, सोसाइटी आजीवन सिखाती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, एथिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, मगर टेलीग्राम चैनल जो है, जो चल चुका है हमारा बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको ज्वाइन करो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर के नाम से चल रहा है, सर्च कर लो, उस पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिल जाते हैं, पेड क्लासेस के लिंक भी मिल जाते हैं, और अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो 9241333666 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, चार फॉर्मल एलिमेंट्स बताए हैं ये फूको ने एथिकल रिलेशंस के। फूको के लिए नैतिक संबंध चार औपचारिक तत्वों द्वारा गठित होते हैं, नैतिक संबंध चार औपचारिक तत्वों के द्वारा गठित किए जाते हैं, मिशेल फूको बता। सबसे पहला क्या है, द ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट एथिकल सब्सटेंस, ऑन्कोलॉजिकल तत्व या नैतिक पदार्थ, सबसे पहला इन्होंने बताया, इसको एज इट इज रख लीजिएगा, ठीक है, द डी ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट और मोड ऑफ सब्जेक्शन, निरंकुश तत्व और आधीनता की विद्या। मतलब जब आप किसी, कितना आप मानते हैं एथिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनको, जो समाज ने जो एथिकल सब्सटेंस दिए हैं उनको आप कितना कितना उसके अधीन हो जाते हैं आप, ठीक है, वो डी ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट और निरंकुश तत्व कहलाता है। ठीक, द एस्थेटिक एलिमेंट और एथिकल वर्क, तपस्वी तत्व और नैतिक कार्य। ठीक, फोर्थ है टेलियोलॉजिकल एलिमेंट और टेलोस, दूरसंचार तत्व या टेलोस। तो ये चारों जो है ना वो मिशेल फूको ने दिया था, ठीक, आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। पॉलो फ्रेयरे, पॉलो फ्रेयरे किस तरह से डिफाइन करते हैं एथिक्स को, समझ लीजिए। पॉलो फ्रेयरे सेड इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक और डू एनीथिंग समथिंग विदाउट बीइंग टच्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय एथिकल डायमेंशन। ये कहते हैं आप दुनिया में कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, बिना एथिकल डायमेंशन के आप कोई काम नहीं कर सकते। पॉलो फ्रेयरे ने कहा है कि नैतिक आयाम, हम नैतिक प्राणी हैं और नैतिकता हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, और बिना इसके, इससे प्रभावित हुए कुछ करने का सोचना भी असंभव है इंसान के लिए। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पॉलो फ्रेयरे ने क्या कहा था, वी आर एथिकल बीइंग, एथिक्स परवेड्स अवर एंटायर एग्जिस्टेंस। हम लोग एथिकल मानव है, ठीक है, हम लोग नैतिक व्यक्ति हैं और जो नैतिकता है वो हमारे पूरे जीवन पर हावी होती है, पॉलो फ्रेयरे का। देखिए, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में ना, जो फिलोसॉफी ऑफ साइंस टॉपिक है, वहां पे रॉबर्ट के मर्टन ने जो रिसर्च है
उसको उसके चार मानदंड बताए हैं, चार एथिक्स बताए हैं। ये कहते हैं कि कोई भी जब आप रिसर्च करते हैं ना तो इन फोर एथिक्स का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना एथिक्स एंड पॉलिटिक्स से आता है। तो सबसे पहली बात ये क्या बताते हैं कि कोई भी रिसर्च कम्युनिज्म होना चाहिए, कोई भी रिसर्च साम्यवाद होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, एवरीबॉडी शुड हैव एक्सेस टू योर रिसर्च। ठीक, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म क्या होता है? यूनिवर्सलिज्म मतलब सार्वभौमिक। ठीक, साइंटिफिक वैलिडिटी से संबंधित है ये वैज्ञानिक वैधता से संबंधित है। जो आपने रिसर्च किया है वो सार्वभौमिक होना चाहिए, उसकी वैधता जो है वो सार्वभौमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी किसी पर्टिकुलर चीजों पे आपने सैंपल सही से ना सिलेक्ट किया हो। ठीक है, तो आपका जो अनुसंधान है वो सार्वभौमिक होना चाहिए। तीसरा ये बताते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी निष्पक्षता। यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पर्सनल गेन के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए रिसर्च करना चाहिए। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन साइंटिफिक एंटरप्राइज रेदर देन पर्सनल गेन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। वैज्ञानिक संस्थान एक समान वैज्ञानिक उद्यम के लिए, लाभ के लिए कार्य करता है, ना कि अपने भीतर व्यक्तियों के व्यक्ति के लिए लाभ। ठीक है, डिसइंटरेस्टेडनेस उसे कहते हैं जब आप व्यक्तिगत नहीं समाज के लाभ के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। अब देखिए जो रिसर्च है वो ये कहते हैं कि वाद विवाद के लिए, विचार विमर्श के लिए, तर्क के लिए खुला होना चाहिए, आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि यार आप जैसे कोई आलोचना करने लग जाए तो आप अपने रिसर्च को हटा लें, आप रोक दें, आप ये नहीं। यू मस्ट वेलकम द क्रिटिकल स्क्रूटिनी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जांच के लिए आप हमेशा आपको दूसरों को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो ये चार जो चीजें हैं ना, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इसको मर्टन ने क्या कहा है, कूडो। ठीक है, ये रिसर्च एथिक्स कहलाते हैं। अब देखो रिसर्च और पॉलिटिक्स का क्या संबंध है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए किस तरह का आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिसर्च टॉपिक रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे नॉर्थ कोरिया ऑटोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन अगर आप वहां पर डेमोक्रेटिक एलिमेंट के लिए रिसर्च करेंगे तो फिर वहां की सरकार आपको लागू नहीं करेगी और उस रिसर्च को सक्सेसफुल नहीं होने देगी, आपको आगे काम नहीं करने देगी। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ये सारी बातें जो है रिसर्च और पॉलिटिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास जो होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, 2-3 घंटे की एथिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड 2 क्लास होती है। ठीक है, एथिक्स पॉलिटिक्स एंड एथिक्स मॉरेलिटी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो था तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लेकर के आया हूं। अभी तक अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बायजूस एग्जाम का सोशियोलॉजी बाय मनोज सर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री क्लासेस आपको इस पर बहुत सारी मिल जाती हैं और एनरोलमेंट करना है तो 9241333666 पर आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जैसे श्वेता राणे ने बताया कि मुझे इसमें डाउट है और हमारे जो कंचन अश्वनी मैम है उसने मुझे फॉरवर्ड किया, तो उसी प्रकार से आप लोग भी इस वीडियो में बता सकते हैं मुझे कि सर ये जो चीज है ये समझ में नहीं आ रही है, तो फिर मैं आपकी हेल्प पूरी तरह से करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।